हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 4th SEM BE स्टूडेंट्स बाय मिस नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर CSE डिपार्टमेंट फ्रॉम BCET दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस कंट्रोलर्स और IO की बफरिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने सिंगल बफरिंग पढ़ी थी, प्रोग्राम IO, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA, ये सब पढ़ा था। अब हम आपके यूनिट नंबर 5 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाइल मैनेजमेंट या फाइल का ऑर्गेनाइजेशन या फाइल सिस्टम, वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो फाइल क्या होती है, ये हर कोई जानता है। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसके क्रिएटर द्वारा डिफाइन की जाती है। कॉमनली फाइल जो है वो किसी प्रोग्राम या डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक, और फाइल्स में भी फ्री फ्रॉम सच एज टेक्स्ट फाइल्स और मे बी रिजिडली फॉर्मेटेड। इन जनरल अ फाइल जो है वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, बाइट्स है, लाइंस है या रिकॉर्ड्स है हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर एंड यूज़र। हम कभी भी कोई फाइल बनाते हैं तो हम उसके क्रिएटर होते हैं, और हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कोई फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं। हमको जब भी कोई डेटा को स्टोर करना होता है तो हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में। अ फाइल इज नेम्ड एंड इज रिफर टू इट्स टू बाय इट्स नेम। इट हैज़ सर्टेन अदर प्रॉपर्टी सच एज इट्स टाइप, टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, नेम ऑफ इट्स क्रिएटर, इट्स लेंथ एंड सो ऑन। जो फाइल है उसकी बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टाइप क्या है, टाइम क्या है क्रिएशन का, नेम ऑफ इट्स क्रिएटर क्या है, लेंथ क्या है और सो ऑन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फाइल्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन इन अ फाइल इज डिफाइंड बाई इट्स क्रिएटर। जो भी इंफॉर्मेशन फाइल में रहती है वो कौन डिफाइन करता है, क्रिएटर। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी स्टोर्ड इन अ फाइल, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट, पेरोल, रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। जैसे कि टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज इंटू लाइन्स, सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स एंड फंक्शंस, each of which is further organized as declaration followed by executable statement. Object file is a sequence of words organized into loader record blocks. तो different different types की files होती है, text file होती है, object file होती है, तो जितने भी type की file होती है, source file होती है, वो सब अपने accordingly उसमें data store करके रखते हैं। तो वन मेजर कंसिडरेशन इज हाउ मच दिस स्ट्रक्चर शुड बी नोन एंड सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ एन OS नोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल, इट कैन देन ऑपरेट ऑन द फाइल इन रीजनेबल वेज। तो जो मेजर कंसिडरेशन वो ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को जानता है तो वो उस पर कैसे रीजनेबल वेज में ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अ कॉमन मिस्टेक ऑकर्स व्हेन अ यूजर ट्राइज टू प्रिंट द बाइनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्रोग्राम। अगर कोई यूजर जो है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहता है, तो उस अटेम्प्ट से क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि आप ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, ट्रैप जनरेट होता है, ये फाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के, जो कि फाइल से लिंकअप नहीं करते हैं। अ कॉमन टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग फाइल टाइप्स टू इंक्लूड द टाइप एज अ पार्ट ऑफ फाइल नेम। द नेम इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, नेम एंड एन एक्सटेंशन। जो भी फाइल का नाम रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक होता है फाइल का नाम और दूसरा होता है उसका एक्सटेंशन। मतलब जैसे अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल टू डॉट करके सी, तो ये जो उसका एक्सटेंशन हुआ और ये उसकी फाइल की नेम हुई। तो फाइल की नेम डॉट txt भी हो सकता है, डॉट docx भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल नेम्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल बना हुआ है फाइल टाइप,
यूज्ड एक्सटेंशन और उसका फंक्शन। तो अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन जो है exe, com, bin ये सब रहेगा, ठीक है। रिटर्न रेडी टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इसका काम है। दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप की फाइल रहेगी तो obj या o रहेगा, कंपाइल्ड मशीन या लैंग्वेज नॉट लिंक्ड के लिए यूज़ होता है। सोर्स कोड अगर फाइल है तो c, cc, जावा, pas, ये सोर्स कोड वेरियस लैंग्वेजेस की फाइल है। टेक्स्ट फाइल है तो .txt, .doc, टेक्सचुअल डेटा जिसमें हम रखते हैं। वर्ड प्रोसेसर है तो wp, tix, raf, rtf, doc, वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट्स हैं। लाइब्रेरी फाइल है तो .lib, so, dll, लाइब्रेरी रूटीन्स की फाइल है। प्रिंट करने के लिए .pdf, .jpg प्रिंट और व्यू करने के लिए आइसक्रीम बाइनरी फाइल है। अगर आर्चीव करना चाहते हैं आप तो arc, zip और tar। ये सारे डिफरेंट फाइल नेम्स थे, यूजुअल एक्सटेंशन थे और फंक्शन थे। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल।